कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम सर, हम बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका आवाज ठीक रही है? जी, हेलो, आपका आवाज ठीक आ रही है? आवाज आ रही है मुझे, लेकिन आवाज हाँ थोड़ी जी, सी डिम आ रही है। आवाज डिम आ रही है तैयब आपकी। सर मुझे यही लग रहा था। आज मेरी प्रेजेंटेशन भी है, मुझे था, मैंने कहा आवाज ना ये ना हो, क्या वॉइस प्रॉब्लम हो कुछ। ठीक आ रही है, वो सम टाइम को हो जाता है इशू माइक का या किसी का, तो लेकिन अभी तो ठीक आ रही है। आवाज सर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है या फिर वेट करें अभी? नहीं नहीं करें करें नहीं नहीं स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। कितने हैं मॉर्निंग में से, कितने लोगों की प्रेजेंटेशन है? सर आज फर्स्ट में मैंने देनी थी, क्या हमारी तरफ से गुलाब है और ओके, चलिए अब स्टार्ट करें। हम करें स्टार्ट। शाबाश। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ हिमा अशरफ, माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ मीनिंग्स। काइंड ऑफ मीनिंग्स में पहले जो है वो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, कॉनोटेटिव और सोशल और रिफ्लेक्टिव मीनिंग। और मैं ये चार जो काइंड्स है वो प्रेजेंट करूंगी, जो मीनिंग है वो मारिया करेगी। फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग जो है उनको लिंग्विस्टिक मीनिंग, डिनोटेटिव, लॉजिकल और कॉग्निटिव मीनिंग भी कहा जाता है, और इनको डिक्शनरी मीनिंग भी कहा जाता है। और ये लिंग्विस्टिक मीनिंग है, ये डेफिनेशन, इनको डेफिनेशन का रिफर्स टू डेफिनेशन गिवन इन द डिक्शनरी। मतलब ये वो कंसेप्चुअल मीनिंग होता है जो डिक्शनरी में दिया गया होता है, किसी चीज का कॉन्सेप्ट होता है वो, ये वो वाली मीनिंग्स होते हैं। और जो इनका एम है वो ये है कि कॉन्सेप्ट सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं हमें किसी भी सेंटेंस की। इससे जो है जो सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी हेल्प करती है कि हम एक पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग जो है वो तमाम ऑल अदर पॉसिबल काइंड के जो मीनिंग है उनसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है लाइक हम नीडल की एग्जाम्पल लेते हैं, तो नीडल जो है नीडल नीडल की एग्जाम्पल है कि थिन है, शार्प स्टील का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब हम इसे सीने के लिए यूज करते हैं, ये इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है। इसी तरह अगर हम स्नेक की एग्जाम्पल लें तो स्नेक का जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है वो स्केली, लेगलेस, हैविंग अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, फाउंड इन द मोस्ट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, मतलब ये इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग अगर हम इसको डिक्शनरी में देखते हैं तो। नेक्स्ट है कॉनोटेटिव या एसोसिएटिव मीनिंग। कॉनोटेटिव मीनिंग जो होते हैं इनकी डेफिनेशन है कि मीनिंग सजेस्टेड और इम्प्लाइड बाय द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग और डेनोटेटिव। डेनोटेटिव मीनिंग मतलब जो कॉनोटेटिव मीनिंग होती है इनमें हम वर्ड को एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो सजेस्ट करते हैं किसी भी मीनिंग के लिए, और उस लिटरल मीनिंग की बजाय हम डेनोटेटिव मीनिंग यूज नहीं करते, हम उसके लिए कोई वर्ड जो है वो सजेस्ट कर लेते हैं। और ये पर्सनल जो पर्सनल मीनिंग होते हैं इनके बारे ये भी कहा जाता है कि ये पर्सनल मीनिंग्स भी हैं। और जो कॉनोटेटिव मीनिंग है इनका कंसर्न जो है वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के साथ है, ये अनस्टेबल है और ये वेरी करते हैं कल्चर टू कल्चर। इसी एग्जाम्पल लाइक अगर हम नीडल की एग्जाम्पल लेते हैं तो नीडल को जो एसोसिएट किया जाता है वो पेन, इलनेस और ब्लड के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है। अगर स्नेक की एग्जाम्पल ले ली जाए तो स्नेक जो है इसकी जो एसोसिएटिव मीनिंग है वो डेंजर और इवल है, मतलब इसको जो डेंजर और इवल के साथ जो है वो हम एसोसिएट करते हैं। इसी तरह अगर डंकी की एग्जाम्पल है, अगर डंकी को जो हम एसोसिएट करते हैं उस फुलिशनेस के साथ, मतलब जो पर्सन फुलिश अहमक होगा, अहमाना हरकतें करेगा, हम उसे कहेंगे, हम उसे डंकी जो है वो कह देते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीनिंग। सोशल मीनिंग जो है वो शो द सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्पीकर, मतलब ये जो है वो हमें कोई भी अगर पर्सन इस तरह से कोई लैंग्वेज या कोई इवन प्रोनाउंसिएशन या कोई डायलेक्ट भी यूज करता है तो उसे हमें उससे जो है हमें उसकी नेशनैलिटी और लोकेलिटी के बारे में पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है। लाइक एग्जाम्पल जो है आई एंट डन नथिंग, ये वाली जो एग्जाम्पल है ये ब्लैक अमेरिकन, इस तरह से इस तरह के सेंटेंसी या फ्रेजेस वजह वो ब्लैक अमेरिकन बोलते हैं। लाइक अनदर एग्जाम्पल है कि जो कम ऑन यार, मतलब ये जो इस तरह की फ्रेजेस हैं ये पाकिस्तान इंडिया में ज्यादा बोली जाती हैं, तो ये हमारी लोकेलिटी या हमारी नेशनैलिटी जो है इसको शो करते हैं। इस तरह जो सोशल मीनिंग है इसमें डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी के बारे में बात की जाती है, जो सेंटेंस है वो उसका कंसेप्चुअल मीनिंग चेंज हो जाता है सोशल फोर्स की वजह से।
और सोसाइटी जो है वो लैंग्वेज मतलब सोसाइटी के जो इंडिविजुअल हैं और सोशल फैक्टर्स हैं वो मीनिंग्स को डिटरमाइन करते हैं. नंबर ऑफ सोशल फैक्टर्स में इसमें सोशल क्लास ऑफ यूजर आ जाता है और डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी आ जाती है. लाइक एग्जाम्पल ऐसे कि होम जो है, होम इसको हम जनरली जो है वो होम यूज करते हैं. अगर इसको वेरी फॉर्मल में लिखा जाए तो डोमिसाइल यूज करेंगे, लेस फॉर्मल रेजिडेंस होगा, और अबोड जो है वो पोएटिक लैंग्वेज है, मतलब उसको अबोड जो हम पोइट्री में यूज करते हैं. इसी तरह हॉर्स है, हॉर्स हम जो है हम जनरली यूज करते हैं, और जो स्टीड है वो पोइटिकल यूज है, और नैग जो है वो लेस प्रेस्टिजियस और नॉन स्टैंडर्ड वोकैबुलरी के तौर पे यूज होता है. नेक्स्ट है जो रिफ्लेक्टेड मीनिंग. रिफ्लेक्टेड मीनिंग जो है इनकी डेफिनेशन है कि फिनोमेना वेयर बाय अ सिंगल वर्ड और फ्रेज एसोसिएटेड विद मोर देन वन सेंस और मीनिंग. मतलब एक वर्ड या एक फ्रेज के जो है वो डिफरेंट मीनिंग होते हैं, और ये तब होता है जब एक वर्ड के डिफरेंट कंसेप्चुअल मीनिंग होते हैं, और इसमें एक से मतलब एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड की जो सेंस को है वो रब ऑफ करता है. इसमें एक वर्ड जो है वो एक एक मीनिंग जो है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, दूसरा जो है वो लेस डोमिनेंट हो जाता है. और ये ज्यादातर जो रिफ्लेक्टेड मीनिंग जो है वो जो टैबू मीनिंग्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और टैबू मीनिंग्स वो होते हैं जिनके साथ नेगेटिव एसोसिएशन जो है वो जुड़ी हुई होती है. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है। हाँ जी आ रही है. ओके ओके. लाइक इसकी एग्जांपल है कि आई लॉस्ट माई डियर कार. जो अब यहाँ के डियर का मायने, यहाँ पे डियर जैसे हम प्रिटी के लिए डियर का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको जो है वो एक्सपेंसिव कार के तौर पे यूज किया गया, कि जो आई लॉस्ट माई डियर कार एक्सपेंसिवनेस के मायने में शो किया जाता है. और जो दूसरी एग्जाम्पल है वह कि आप गे गे वर्ड है, गे जो गे वर्ड है इसको जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के टाइम में जो है वो इसको जो है वो हैप्पीनेस के लिए या हैप्पी मूड के लिए जो यूज किया जाता था, लेकिन अब के जो टाइम में इसको होमो जो सेक्सुअलिटी है उसकी तरफ रिफर किया जाता है. अब अगर कोई अब के जो प्रेजेंट टाइम में अगर कोई इसको यूज करता है तो इसका मीनिंग जो है वो मीनिंग जो है वो चेंज होके जो है वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है. जैसे एग्जाम्पल है कि अ पोइट वुड नॉट बट बी गे, मतलब एक पोइट जो है वो उसे हैप्पी होना चाहिए, लेकिन अब के अगर मायनों में देखा जाए तो ये इसका नेगेटिव मायने जो है वो चला जाता है. और जो रिफ्लेक्टेड मीनिंग इसलिए भी मतलब वो चेंज हो जाते हैं कि जो हमारी परसेप्शन में डिफरेंस होता है और हमारे नॉलेज में डिफरेंस होता है, और सोशल बैकग्राउंड की वजह से भी जो रिफ्लेक्टेड मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं. और दिस इज ऑल अबाउट फोर टाइप्स ऑफ मीनिंग, और जो रिमेनिंग है वो मारिया यूनस करेगी प्रेजेंट. सर जब तक वो आती है मैं प्रेजेंटेशन दे दूं। जी तैयबा ठीक है। सर जो मेरा टॉपिक है ना वो उनमें से कॉनोटेटिव और रेफरेंटल मीनिंग है सबसे पहले, और उसके बाद दो टॉपिक्स और हैं. सबसे पहले मैं इसको प्रेजेंट करती हूँ. कॉनोटेटिव और रेफरेंटल मीनिंग्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वेरी अकॉर्डिंग टू एज. इनको हम एसोसिएटिव मीनिंग्स भी कहते हैं क्योंकि एसोसिएट करते हैं. और जो रेफरेंटल मीनिंग्स होते हैं, कॉनोटेटिव मीनिंग्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं होते, बल्कि हमारी जो साइकोलॉजिकल और जो सोशल प्रॉपर्टीज होते हैं ना उनसे भी एसोसिएट करते हैं. जो कॉनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं ना वो रियल वर्ल्ड एक्सप्रेशन के बारे में होते हैं, एक्सपीरियंसिस के बारे में होते हैं. यानी अगर हम किसी साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वन एसोसिएट विद द एक्सप्रेशन वन यूजेज और हेयर, कोई वो कोई चीज वो यूज कर रहा है या वो हेयर कर रहा है तो उसको एसोसिएट करेगा उन पर्टिकुलर अपनी एक्सपीरियंसिस के साथ जो वो एक्सप्रेशन फेस कर रहे हैं, उनको एसोसिएट करेगा. इसी तरह कॉन्टेटिव एक्सक्यूज मी मीनिंग्स होते हैं प्रेजेंटर, वो एक्सक्यूज मी तैयबा, एक्सक्यूज मी, स्पीड यस सर थोड़ी सी। इससे पहले हमीमा ने भी बहुत तेज मतलब जब वो प्रेजेंट किया, ओके तो आप भी थोड़ा सा स्पीड स्लो डाउन करें। ओके सर थोड़ी सी। हाँ जी। और वो दो दूसरी टाइप आपकी बता रहे हैं मीनिंग की, आई थिंक वो कौन से हैं, रेफरेंशियल होगा। ओके तो दैट शुड रेफरेंशियल बी पर, और एसोसिएटिव है. हाँ जी रेफरेंशियल एंड एसोसिएटेड। ओके ओके सर. जो कॉनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं ना वो पेरिफेरल होते हैं. पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? चेंजेबल, यानी ये पर्सन टू पर्सन चेंज करेंगे, कल्चर टू कल्चर चेंज करेंगे, और पीरियड हिस्टोरिकल पीरियड यानी टाइम पीरियड्स के अंदर भी ये जो मीनिंग्स होंगे ना ये वेरी करते जाएंगे. इसी तरह ये एक्सपीरियंस से मतलब इंडिविजुअल में किस तरह से ये वेरी करेंगे, यानी एक पर्सन का एक्सपीरियंस है किसी चीज को लेके वो डिफरेंट होगा किसी दूसरे पर्सन से. यानी जब दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं और उनका जो बैकग्राउंड है ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा, तो वो मीनिंग्स को डिफरेंट तरह से ना परसीव करेंगे. इसके बाद बताया हुआ कि जो कॉनोटेटिव कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स होते हैं ना वो चेंजेबल नहीं होते. मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है और उसको हम कन्वेंशनली यूज कर रहे होते हैं, जैसे फैन है तो वो फैन है, उसका मतलब यही है कि कोई चीज जो हवा दे रही है ये चीज फैन होगी. लेकिन जो कॉनोटेटिव मीनिंग होते हैं ना कि ये चेंजेबल होते हैं और ओपन एंडेड होते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल लेते हैं नीडल की. इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज जो थिन होगी और शार्प होगी ना उसको हम नीडल कहेंगे, लेकिन ये एक इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग होगा और हम इसको थ्रू आउट फॉलो करते आ रहे हैं.
लेकिन अगर जब डिफरेंट कल्चर्स के अंदर हम लोग जाते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के अंदर जाते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के अंदर जाते हैं, तो जब हम इसके कॉनोटेटिव मीनिंग सीखते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट 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 मीनिंग्स में ले लेते हैं। जैसे कोई इसको परसीव करेगा इलनेस के लिए, कोई इसको पेन के लिए लेगा, कोई इसको मेडिसिन के लिए लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है तो वो उसको मेडिसिन के लिए लेगा। इसका कहने का मकसद ये है कि जो कॉनोटेटिव मीनिंग है वो पर्सन टू पर्सन और कल्चर टू कल्चर और ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल पीरियड्स वो वेरी करते रहते हैं। इनको हम कहते हैं कॉनोटेटिव रेफरेंशियल या फिर एसोसिएटिव मीनिंग। उसके बाद जो मेरा टॉपिक है ना वो सेमेंटिक्स की डेफिनेशन है, और उसके हम कुछ सर आपने बताई थी जैसे लेक्सिकल सेमेंटिक्स होती है, कॉम्पोजिशन होती है, और लिंग्विस्टिक होती है, उसको भी उसकी भी हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेमेंटिक्स क्या होती है। सेमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। यानी कोई भी जो वर्ड्स हैं और उसके मिलने से जैसे फ्रेजेस बनती हैं और या फिर सेंटेंस होते हैं, उनके हम मीनिंग्स की जब स्टडी करेंगे ना तो हम उसको सेमेंटिक्स कहते हैं। और इन सेमेंटिक एनालिसिस देयर इज ऑलवेज एन अटेम्प्ट टू फोकस ऑन व्हाट द वर्ड्स कन्वेंशनली मींस। हम ये देखते हैं कि वर्ड्स कन्वेंशनली क्या मतलब है, कन्वेंशनली हम उसको किस तरह से परसीव करते आ रहे हैं, रादर देन ऑन व्हाट एन इंडिविजुअल स्पीकर माइट थिंक दे मीन। हमने ये नहीं देखना कि जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ वो इसको कैसे लेगा, एंड और वॉन्ट देम टू मीन ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन, यानी किसी भी मखसूस मौके के ऊपर वो उन लफ्जों को किस तरह से लेता है, इट्स नॉट आवर कंसर्न। हम उसको जो कन्वेंशनल उसके मीनिंग्स है ना, हम उस तरह से इसको परसीव करेंगे। उसके बाद जो फर्दर डेफिनेशन है वो है लेक्सिकल सेमेंटिक्स। लेक्सिकल से हमें अंदाजा हो रहा है, इट डील्स विद मीनिंग ऑफ लेक्सिकल आइटम्स एंड वर्ड्स। लेक्सिकल आइटम्स हैं या फिर जो वर्ड्स हैं उनके जब हम मीनिंग्स को की स्टडी करेंगे ना, उसको हम कहते हैं लेक्सिकल सेमेंटिक्स। उसके बाद आता है कॉम्पोजिशनल सेमेंटिक्स। कॉम्पोजिशन क्या होती है? कॉम्पोजिशन एक्चुअली होता है डिफरेंट चीजों को उठाना और उनको कंपोज कर देना, यानी उनका कॉम्बिनेशन कर देना। सो कॉम्पोजिशनल सेमेंटिक्स डील विद कॉम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्सिकल आइटम्स टू गिव फ्रेजेस और सेंटेंस मीनिंग्स। यानी जब हम सेंटेंसेस और डिफरेंट फ्रेजेस बना रहे हैं तो जब हम उनके मीनिंग को डील करेंगे ना, यानी उनको कैसे हमने कंबाइन किया, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है और उनका कॉम्बिनेशन क्या है, उनके मीनिंग्स को जब हम डील करेंगे तो उसको हम कॉम्पोजिशनल सेमेंटिक्स के अंदर रखेंगे। इसके बाद आता है लिंग्विस्टिक सेमेंटिक्स। जो लिंग्विस्टिक सेमेंटिक्स है ना, लिंग्विस्टिक्स हमारी क्या होती है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, हाउ लैंग्वेज इज ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस मीनिंग। जाहिर सी बात है कोई भी लैंग्वेज होती है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, एक्सप्रेशन के लिए यूज होती है, तो लैंग्वेज को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया और हम उसके जरिए कैसे मीनिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ऑब्वियसली हम मीनिंग्स को अपने आइडियाज को अपने एक्सप्रेशन को हम लोग कन्फेस कर रहे होते हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो उसको हम करेंगे लिंग्विस्टिक सेमेंटिक्स के अंदर। उसके बाद जो मेरा टॉपिक है ना वो सेमेंटिक फीचर्स है। सेमेंटिक फीचर बेसिकली होता है क्या, सेमेंटिक फीचर आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ अ वर्ड दैट हैव टू डिसाइड इफ द वर्ड फिट्स बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, यानी कोई भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमने ये डिसाइड करना है कि जो चीज हम किसी के बारे में बोल रहे हैं वो एक्चुअली उसको फिट कर रही है, उस पे उस कॉन्टेक्स्ट में उसको फिट कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ह्यूमन है। अब हमें पता है कि जो ह्यूमन है ना वो चल फिर सकता है, खा पी सकता है। अगर हम यही चीज हम किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को दे देंगे, हम अगर कहते हैं कि टेबल खा रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसकी उसकी करेक्टरिस्टिक है ही नहीं है कि वो खा पाएगा। तो ये हमारा ना इसके लिहाज से हमें देखना होता है कि सेमेंटिक फीचर वो ऑक्यूपाई करता है उस चीज के अंदर, वो चीज है, वो फीचर उसके अंदर है या नहीं है, जो भी हम करेक्टरिस्टिक किसी भी चीज को दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दी है द एट ऑल द फूड। यानी अब हमें देखना है कि एट ऑल द फूड, एट होता है यानी खाना, जो खाने की करेक्टरिस्टिक्स होती है ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई, ह्यूमंस आ गए और एनिमल्स आ गए। अब जो दोनों ह्यूमंस भी और एनिमल्स भी दोनों के पास करेक्टरिस्टिक है कि वो खा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तैयबा एट द फूड, या फिजा एट द फूड, फिजा एट द टेक मिल्क। तो ये हम इस तरह से देखते हैं कि मतलब फिजा है वो खा सकती है, तैयबा है वो खा सकती है। कोई भी हम एनिमल लेते हैं, जैसे मैं कहती हूँ रैबिट एट द कैरेट, तो ये उसके पास करेक्टरिस्टिक है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि टेबल एट द ग्रास, या फिर चेयर एट द एप्पल, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज है जैसे बेड बेड टेक द मिल्क, तो उसके पास वो करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो हम कहेंगे कि वो उसके पास वो उसको ऑक्यूपाई नहीं करता। इसको हम किस तरह से जाहिर करते हैं, उसको जाहिर एक्सप्रेस करते हैं, हम साइंस यूज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कोई चीज अगर वो करेक्टरिस्टिक ऑक्यूपाई कर रही है, उसके पास वो करेक्टरिस्टिक है, तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। यानी ये चीज, ये करेक्टरिस्टिक जो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है ये इसके पास है, ये कर सकती है, तो हम उसके पॉजिटिव साइन लगाएंगे। और अगर कोई चीज है वो उसके पास वो करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। वही जैसे मैंने पहले बात की ना कि तैयबा एट द फूड, तो तैयबा
एट द फूड, ये पॉजिटिव है, यानी तैयबा के पास करेक्टरिस्टिक है, उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो खुराक खा सकती है. लेकिन अगर मैं टेबल के लिए यही चीज यूज करूंगी तो मैं कहूंगी टेबल एट द फूड, तो जाहिर सी बात है फिर मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगी, यानी ये सेंटेंस गलत है, ये इसका फीचर नहीं है, टेबल का फीचर नहीं है. सर इट्स ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन, अगर आपने कुछ ऐड करना है या मैं कुछ मिस कर गई तो आप काइंडली गाइड कर दें, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो फिर मुझसे पूछ लें. हेलो, आवाज आई है आपको? हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने कुछ पूछना है? जी जी आ रही है. बच्चों आप लोगों ने कुछ पूछना है? आप लोग कुछ ऐड करना चाहें, कुछ है रिलेटेड? नहीं सर, माशाल्लाह दरिया को कूजे में बंद कर दिया. थैंक यू. थैंक यू नो भाई. वेलकम. यस, हु इज द नेक्स्ट वन? सर इवनिंग, सर इवनिंग में से कोई है या मैं प्रेजेंट कर दूं? ये इवनिंग का कुछ सीआर जीआर है? मारिया अगर आप आ गए तो आप प्रेजेंट कर दें. अस्सलाम वालेकुम सर. हेलो, जी मारिया आपकी आवाज आ रही है. ओके, टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन अबाउट टाइप्स ऑफ मीनिंग्स. फर्स्ट टाइप इज अबाउट अफेक्टिव मीनिंग. अफेक्टिव मीनिंग कंसर्न्ड विद द एक्सप्रेशन फीलिंग्स और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर और राइटर. इसमें स्पीकर ऐसे वर्ड्स यूज करता है जो कि लिसनर को उसके इमोशंस, फीलिंग्स और एटीट्यूड के बारे में बताते हैं. इट मीन्स के वो वर्ड्स या वो सेंटेंसेस दैट टेल अस अबाउट द इमोशन एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर नोन एज अफेक्टिव मीनिंग. फॉर एग्जांपल, शी एक्चुअली वॉन, तो यहाँ पे सरप्राइज को एक्सप्रेस किया जा रहा है, स्पीकर्स की फीलिंग से अवेयर किया जा रहा है हमें, तो ये अफेक्टिव मीनिंग में आ जाएगा. नेक्स्ट टाइप अबाउट द नेक्स्ट टाइप इज कोलोकेटिव मीनिंग. Collocative meaning describe words that regularly appear together in common use. जो habitual occurrence होती है जिन words की, या grouping of words होते हैं. For example, we use big business, तो ये correct sense में आएगा. Large business को हम use नहीं करते. Big business we will consider correct word, and large business क्योंकि हमारे डेली यूज में नहीं है तो ये हम इनकरेक्ट कंसीडर करेंगे. इसके फर्दर एग्जांपल्स जो हैं, लश ग्रीन, हैंडसम सैलरी, प्रीटी गर्ल एंड सो ऑन. लास्ट टाइप दैट इज थीमेटिक मीनिंग. थीमेटिक मीनिंग शो फोकस ऑफ स्पीकर. इट मींस इट शो व्हाट इज कम्युनिकेटेड बाय ऑर्डरिंग वर्ड. कि ऑर्डरिंग वर्ड क्या है और किस वर्ड पे फोकस करना चाहता है स्पीकर. वो रीडर का फोकस किस वर्ड पे लाना चाहता है और टेंशन किस वर्ड पे लाना चाहता है, ये चीज होती है इसमें. फॉर एग्जांपल, एडिसन इन्वेंटेड अ बल्ब, तो यहाँ पे जो मेन फोकस है, इम्पोर्टेंस दी जा रही है, वो एडिसन को दी जा रही है. सेकंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, अ बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय एडिसन, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो बल्ब को दी जा रही है. सर मेरी ये 3 टाइप्स ही थी, वो हो गई हैं. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. गुजारे कर रहे हैं आप लोग, मेरे ख्याल में थोड़ा सा भी उसको कोई ना तो इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना बस ऐसे ही वो दो जो चार लाइनें बस की और उसको वैसे ही आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब कोई बंदा उसके अंदर कोई ऐड कर लेते हैं तो थोड़ा सा उसको आप से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल्स ही, और नहीं तो आप ना करें. जाहिर है वो उसका कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होता, एग्जाम्पल्स तो उसके अंदर ऐड हो सकती हैं ना. नेक्स्ट. अब मैं प्रेजेंट करूं सर? हेलो.
जी आपकी आवाज आ रही है। मैं प्रेजेंट करूं सर? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज आ रही है आप लोगों को? हमारा आज का टॉपिक है सिमेंटिक रोल्स। ठीक है, जैसे फीचर्स हैं, सिमेंटिक फीचर्स थे, उसी तरह सिमेंटिक रोल्स हैं। तो सिमेंटिक रोल्स, जैसे हमने पढ़ा था कि सिमेंटिक जो है वर्ड्स होते हैं, उनके जो है डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, एंटिटीज होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो है हम उनके रोल की बात करेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं किसी भी फ्रेज के अंदर या किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, एट ए टाइम जो है वो किस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, क्योंकि दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा है वो है एजेंट एंड थीम। ठीक है, तो एजेंट क्या होता है कि कोई भी परफॉर्मर जो होता है, एक्शन करने वाला होता है, जो डूअर होता है, जिसे हम वर्ब भी बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। ठीक है, और जिसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो जो है वो थीम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, द बॉय किक्ड द बॉल, तो बॉय जो है वो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, तो वो इसमें एजेंट है, और जिसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो बॉल है, तो वो उसका क्या होगा, थीम होगा। ठीक है, तो एजेंट और थीम जो है वो ह्यूमन भी हो सकते हैं और नॉन ह्यूमन भी हो सकते हैं, तो मतलब इसमें वो नहीं है कि जैसे यहाँ पर थीम है वो नॉन ह्यूमन है, बॉल है। ठीक है, इसी तरीके से उससे थीम को जो है हम समटाइम्स पेशेंट भी बोलते हैं। थीम कैन आल्सो बी एन एंटिटी दैट इज सिंपली बीइंग डिस्क्राइब्ड, नॉट परफॉर्मिंग एन एक्शन, कि वो जो है सिर्फ उसे बताया जाता है, उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता। जैसे द बॉल वाज रेड, कि जो वो गेंद है या जो भी है उसका रंग बताया गया, उसे डिस्क्राइब किया गया है, तो ये भी थीम है। अब इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये थीम ही है, और मतलब यहाँ पर इसे पेशेंट आप कह सकते हैं या जो भी आप इसमें वो करना चाहें। एजेंट एंड थीम्स आर द मोस्ट कॉमन सिमेंटिक रोल्स, ऑल्दो एजेंट्स आर टिपिकली ह्यूमन, बॉय जैसे कि देखा आपने फर्स्ट एग्जांपल में द बॉय किक द बॉल, दे कैन ऑल्सो बी नॉन ह्यूमन एंटिटीज दैट कॉज एक्शन एज इज नाउन फ्रेज डिनोटिंग द नेचुरल फोर्स, द विंड, अ मशीन। ठीक है, मशीन भी काम करने वाली होती है। ठीक है, हवा है वो भी काम कर रही है, लेकिन बिकॉज दे आर नॉन ह्यूमन, तो वो ह्यूमन भी हो सकते हैं और नॉन ह्यूमन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जो हमने एक्शन परफॉर्म किया है वो किसी ना किसी की हेल्प से होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम शेव करते हैं तो उसके लिए रेजर यूज करते हैं, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, रेजर होगा। किक मारने के लिए हम लेग यूज करते हैं, तो वहां पर हमारा जो हमारी जो लेग है या हमारा जो पाँव है या जो हमने पहन रखे हैं शूज वगैरह, वो हमारे जो है वहां पर क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे। इफ एन एजेंट यूजेस अनदर एंटिटी इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्शन दैट अदर एंटिटी फील्स रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट होगा जो एक्शन परफॉर्म करने में उसने हमें हेल्प की है। द बॉय कट द रोप विद एन ओल्ड रेजर एंड ही ड्रू द पिक्चर विद अ क्रेयन, तो रोप को जो है उसने एक ओल्ड रेजर से कट किया है, तो ओल्ड रेजर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है और जो बॉय है वो उसका एजेंट है, मतलब जो आप उसे कह लें कि वो एक्शन परफॉर्म करने वाला है। तो इसकी जो है अगर आप वो मतलब करना चाहें, इसको आइडेंटिफाई करना चाहें, तो कॉमनली इसके अंदर जो है प्रीपोजिशन विद यूज होती है, तो अगर आपको विद अगर कहीं नजर आता है तो आप उसको वहां देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है। ठीक है, when a noun phrase is used to designate an entity as a person who has feeling, perception or state, to feeling jo hoti hai, perception jo hoti hai, state hoti hai, senses jo jise hum bolte hain, ki senses ke zariye jab hum koi cheez perceive kar rahe hote hain to wo hamara kya hota hai, wo experiencer hota hai. Theek hai, yahan par likha hua the woman feels sad,
ठीक है, कि औरत जो है वो गमगीन महसूस कर रही थी, तो जो फीलिंग है वो एक्सपीरियंस है वो, और जो औरत है वो एक्सपीरियंसर है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, डिड यू हियर दैट नॉइस, कि वो शोर आपने सुना है, तो जो यहाँ सुनने का जो अमल है ठीक है, वो भी फीलिंग है, तो वो यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस है। सुन रहे हैं आप लोग मुझे? हाँ जी हम सुन रहे हैं आपको। नेक्स्ट है लोकेशन सोर्स एंड गोल। तो लोकेशन सोर्स एंड गोल, अब देखें अपने नाम के साथ बड़ा क्लियर है, इसमें कोई मतलब बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लोकेशन का मतलब होता है जगह, कि जहां पर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है ठीक है, ऑन द टेबल, इन द रूम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, या कहीं बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर, वो उनकी लोकेशन है, या कहीं भी किसी भी जगह पर जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो उसकी लोकेशन है। सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है ओरिजिन, मतलब कहीं से कोई चीज शुरू हो रही है ठीक है, मतलब हम एक जगह से सफर करके दूसरी जगह जाते हैं, वो जिस जगह हम पहुंचे हैं वो गोल है, जहां से शुरू किया है वो हमारा सोर्स है। जैसे आप फुटबॉल के मैच में देखें कि जब वो गोल करने लगता है, वो बॉल को जब किक करता है, तो जो बॉल जब जहां से किक होती है वो उसका सोर्स होता है, और जब वो चली जाती है गोल में तो वो उसका गोल हो जाता है। मतलब यहाँ पर डिफरेंट है फ्रॉम शिकागो ठीक है, एंड वेयर इट मूव्स टू इज द गोल ठीक है। एक जगह से उसने सफर शुरू किया, मतलब अगर मैं यहाँ विहाड़ी से शुरू करूँ और मेलसी जाऊँ, तो ये मेरा सोर्स है और मेलसी जो है मेरा गोल है, या यहाँ से यूनिवर्सिटी, या किसी भी एक जगह से दूसरी जगह। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी का कोई सवाल हो तो अपने जहन में ही रखें, मेरा ख्याल है जरूरत तो नहीं होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने सारी प्रेजेंटेशन उमर तुम्हारी नहीं सुन सका, वो सर जो है ना वो अपना सर की कॉल आ गई थी, तो वो कुछ डिस्कस कर रहे थे एग्जाम से रिलेटेड। हाँ जी, कैसी प्रेजेंटेशन हुई है उमर की? सब बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, क्लियर हो गया टॉपिक। कौन सा क्या टॉपिक था अपना उमर? सर सिमेंटिक रोल्स। अच्छा, रमजान शरीफ में सिमेंटिक रोल्स रोजे के साथ सर रोजे के साथ, फिर तो जबरदस्त लगने थे वहाँ सर वो मैंने इनसे कहा है कि अगर कोई सवाल है प्रेजेंटेशन से मुतालिक तो वो सर से पूछ लो अच्छा, ये भी कहा सही है। अच्छा, ये तो मेहरबानी है, फिर आपने कह दिया।
चलो जी पूछ लो भाई। ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनकी कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं होता अभी। हाँ भी बच्चों पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो। नो सर, सर और क्लियर है। अगर मेरे मेरे इलम में इजाफा करना चाहें तो मोस्ट वेलकम सर। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी अगर आप हमारे इलम में इजाफा करना चाहें तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, हमारे इलम में इजाफा जरूर करें आप बिल्कुल, लेकिन साथ साथ अपने इलम में भी इजाफा करें। ओके, हाँ जी और भी है कोई प्रेजेंटर? सर मैं हूँ, यस मेरी वो सर, टाइप्स ऑफ मीनिंग्स सर। क्या अच्छा मरियम बैग लास्ट टाइम थे। चलें जी, ठीक है जी मैं स्टार्ट करूं सर? जी जी कर दें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रिफ्लेक्टेड मीनिंग है, तो इसमें एज द नेम इंडिकेट्स आज रिफ्लेक्टेड। आज आज बस मीनिंग्स का ही जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, कसूमर निकालना है। सर यही जो है वो क्या इन्होंने दिया हुआ है मुझे, फर्स्ट मैं वीक ये से कह रहा दिया हूँ कि हुआ है। मतलब वो मतलब व्हाट ये इसी की जो है ना वो सारी की सारी हमने वो करनी है। चलें यार कोई टॉपिक चेंज कर लो, या तो फिर उसको कितना थोड़ा सा वेरिएशन के साथ प्रेजेंट करें कि थोड़ा सा वो लगे, मतलब वो रिपीटिंग द सेम थिंग्स, रिपीटिंग द सेम पॉइंट्स, रिपीटिंग द सेम एग्जांपल, रिपीटिंग द सेम एवरी स्टेटमेंट्स एंड सो जी। पर्सन हैज इस हिज ऑन वॉइस, हर बंदे की वॉइस डिफरेंट है, हर बंदा डिफरेंट तरह से बताता अच्छा है, डिफरेंट मतलब हाँ होते ठीक हो गया। तो यदि मैं किसी किसी को वेरिएशन समझूं, यस मतलब जो सर। यानी जो इडियल एक्ट है, आई शुडंट पे कंसंट्रेशन ऑन द कंटेंट ऑन द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ओके, ऑन आई शुडंट पे अटेंशन ऑन व्हाट यू से, सो सिंपली आई शुड कंसीडर हाउ यू से। तो फिर मैं आप लोगों की जो वॉइस के अंदर जो इंडिविजुअलिटी है, जो म्यूजिकलिटी है, उसके अंदर जो मेलोडियसनेस है, यस सर, इमेजिनिंग द पर्टिकुलर पर्सन एज वेल, ओके, तो सो जो है वो इस तरह से मुझे लॉट ऑफ वैरायटी नजर आएगी। यस सर, ओके थैंक्स थैंक्स फॉर सजेस्टिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके ओके सर। अच्छा रिफ्लेक्टेड मतलब नेम से पता लग रहा है, रिफ्लेक्टेड मतलब इसमें मल्टीपल डायरेक्शंस में हम देख सकते हैं, एक नहीं खाली एक इसमें नहीं। सॉरी सॉरी, अगर अगर ये इधर यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे डीपीएस जो हो रही है ईमेल की, यहाँ पे अगर आपके लोगों की पिक्स होती ना, तो फिर ये सजेशन जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाती सर ये जो है। पिक्चर था। हाँ जी ओके ओके अच्छा ओके सर। सर ओके सर कैरी थोड़ा सा जी। टाइम दे, हम लगा लेते हैं अपने अपने पे। आपकी तो लगी थी हमारे। शायद हाँ उन्होंने जी कोई अच्छी लगानी हो। अच्छा, नहीं ये भी अच्छी लगी है, चेंज कर सकते हैं, चेंज कर ओके सकते हैं। मतलब मल्टीपल मीनिंग्स में हम इसको देख सकते हैं, इसकी पोएट्री में ज्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं, और मतलब पोएट्री में स्पेसिफिक कुछ ऐसे वर्ड्स पोएट्स यूज कर लेते हैं जिसको जिनके ना मतलब डिफरेंट, अब जब हम उसको वैसे कैजुअली यूज करते हैं तो उसका और सेंस में हम मीनिंग लेते हैं, जब पोएट्रिक रेफरेंस से हम उसको देखते हैं ना तो उसका मीनिंग और तरह से होता है, बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट होता है कैजुअल यूज से। व्हेन वन सेंस ऑफ द वर्ड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द आवर रिस्पॉन्स टू अनदर सेंस, मतलब हम जब एक वर्ड को सुनते हैं ना तो हमारा उसको फॉरन से हम उसका जज करके और एक ही मतलब मीनिंग उसको नहीं सोच लेते हैं, हम उसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारा माइंड मूव करता है। अच्छा इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है और इसका ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है ये, आर लिम्स सो डियर अचीव्ड आर साइज, फुल नर्व स्टिल वार्म टू हार्ड टू स्टर। अब यहाँ पे जो वर्ड डेयर है ना, डेयर अचीव्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइक इसमें हम ये कह सकते हैं दैट इज वेरी क्यूट और लवली सेंस में नहीं है, यहाँ पे डेयर जो है वो एक्सपेंसिव के मीनिंग में आया हुआ है इस इन लाइन्स के अंदर जो है। फर्टिलिटी द पोएम इज फर्टिलिटी, और यहाँ से इसको लिया हुआ है, डेयर जो है वो एक्सपेंसिव के मीनिंग से मीनिंग को जो है वो यहाँ पे रिफर कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द पोएट कुड could not, this is from the daffodils, okay, poet could not but be gay in such a jocund company. अब यहाँ पे flowers की बात है, daffodils ये poem है, flowers के बारे में उसने
पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें. और यहाँ पे जो वर्ड गे यूज हुआ है ना, इसके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. इसको हम वेरी शाइन और आप ये कह सकते हैं जो बहुत ब्राइट चीज होती है उसके रेफरेंस में भी हम लेते हैं. लेकिन यहाँ पे जो गे वर्ड यूज हुआ है ना, उसका टोटली ही और तरह से मीनिंग है. कहाँ पे शाइनिंग और ब्राइट है और यहाँ पे इसको जो है वो टोटल चेंज करके हैप्पी के मीनिंग में उसने यूज किया है. यहाँ पर जो है The word gay was frequently used in the time of the William Wordsworth. अब इस पोएट जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इनके टाइम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा था पोएट्रिक रेफरेंस में भी और वैसे भी. और यहाँ पर एक लाइन लिखी भी है, रिफ्लेक्टेड मीनिंग इज ऑल्सो फाउंड इन द टैबू वर्ड्स. अब टैबू क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं किसी सोसाइटी की, जहाँ पे आप पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज कर सकते हैं और समटाइम्स आप वहाँ पे उसको उस रेफरेंस में यूज नहीं कर सकते. और ये जो है वो एट दैट टाइम इट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टैबू वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट है कॉलोकेटिव मीनिंग. नेक्स्ट टाइप टू, सेकेंड वन जो है वो कॉलोकेटिव है. कॉलोकेटिव मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द एसोसिएशंस अ वर्ड एक्वायर्स ऑन अकाउंट ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स व्हिच टेंड टू अकर इन इट्स एनवायरमेंट. अब यहाँ पर कॉलोकेट मतलब किसी के साथ कोई स्पेसिफिक चीज है, तो हम उसके साथ एक वर्ड को यूज कर सकते हैं और उसके साथ दूसरा उसको ऑल्टरनेट नहीं हम अपनी मर्जी से कर सकते. Pretty and handsome share common ground in the ground mean common foundation or basis in the meaning good looking but may be distinguished by the range of nouns. अब यहाँ पे handsome और pretty जो है obviously good looking कोई आपको beautiful लग रहा है, आइदर वो मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं. या समटाइम्स किसी और चीज के लिए भी जो आपको बहुत अच्छी लगती है आप उसको कह देते हो इट इज वेरी नाइस और वेरी प्रिटी. तो इसके लिए भी कैटेगरीज हैं जो स्पेसिफिक इसके लिए जो है वो नाउन्स हैं, उनके साथ आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्रिटी है, इसको आप विमेन के लिए यूज कर सकते हो, मान के लिए नहीं करोगे. फ्लावर को आप प्रिटी कह सकते हो, वेसल को आप प्रिटी नहीं कहोगे. दैट इज वेरी नॉट ये सेंटेंस ठीक सेंस नहीं देगा. pretty vessel और pretty car, इसके साथ आप handsome लगाओगे. ये कौन है जिसको बाइक ऑफ कर लो, ये जो भी है. ओके, अ प्रिटी विलेज लास्ट एग्जाम्पल लिखी हुई है. इट इज अ प्रिटी विलेज. यू कांट से इट इज अ हैंडसम विलेज, ऑकवर्ड लगता है ना इसको बोलने में भी, ये सूटेबल नहीं लग रहा. फिर जो हैंडसम है उसके लिए भी इसी तरह से है. टाइप राइटर इट इज अ टाइप हैंडसम टाइप राइटर, आप इसको ये नहीं कह सकते प्रिटी टाइप राइटर. इट सीम्स क्वाइट ऑड. ओके, नेक्स्ट कॉलोकेटिव मीनिंग्स में एक नीचे ही बिल्कुल हेडिंग दी हुई है. द वर्ड प्रिटी कॉलोकेट्स विद द गर्ल्स वीमेन विलेज गार्डन फ्लावर्स. उसी ये जो कॉलम ऊपर दिया हुआ है उसी की थोड़ी सी मतलब फर्दर उसको अच्छे से बता दिया कि जिसको वहां से ना पता चले तो इस तरह से आप इसको देख लेना. ऑन द अदर हैंड द वर्ड हैंडसम कॉलोकेट्स विद द बॉयज मैन. सो प्रिटी वुमेन एंड हैंडसम मैन, वही जैसे मैं पहले आपको बता रही थी, स्पेसिफिक नाउन्स है, उसके अलावा आप जो है वो यूज नहीं कर सकते इसको. द वर्ब वेंडर एंड स्ट्रोल वॉज कोई सिनोनिमस, दे मे ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग बट वाइल काउज मे वेंडर इन टू अनदर फॉर्म they don't stroll into the form because stroll collocates with the human objects. Okay, animals ke liye jo word hai wo hum strolling nahi kar sakte ke wo stroll kar rahi thi. Cows hain, buffaloes hain ya goats hain, wo stroll nahi karenge kyunki ye humans ke liye, iske liye koi bhi noun agar use karna hai to wo human being hum lenge. Uske liye hum jo vendor word hai na wo zyada suitable hai animals ke liye. Okay, नेक्स्ट आ गया था थीमेटिक मीनिंग. इट रिफर्स टू व्हाट इज कम्युनिकेटेड बाय द वे इन विच स्पीकर और राइटर ऑर्गेनाइजेस द मैसेज इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डरिंग फोकस और एम्फेसिस. अब यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात, कम्युनिकेट करना है जिस तरह से कोई बात करता है, उसकी टोन और इंटोनेशन और उसका फोकस किस बात पे, वो किस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा है, किसके ऊपर वो ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है. अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा मीनिंग आगे कन्वे करना चाह रहा है. उसके सेंटेंस के बोलने पे उसकी टोन से हम इस चीज को जज करेंगे. आइदर वो स्पीकर है या फिर राइटर है तो उसने राइट इस तरह से किया हुआ होगा. मिस्टर स्मिथ डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज. अब यहाँ पर जो है वो
फर्स्ट प्राइज के ऊपर एम्फेसिस है. मिस्टर स्मिथ डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज और सेकंड वन द फर्स्ट प्राइज वाज डोनेटेड बाय मिस्टर स्मिथ. अब वो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किससे दिया गया. अब यहाँ पे मिस्टर स्मिथ जो है वो सेकंड एग्जांपल में इनको sorry sir mr smith donated the first prize the first prize was donated by mrs smith certainly these value different communicative values Mariam, is it all? Mariam, is it sir, all? Sir, अभी देखती है, एक मिनट अभी मैं बाहर जाके आपको देती हूँ. सर अभी तो मेरे टॉपिक्स रहते हैं, वो वहाँ पे कॉल आ गई थी तो वो इसलिए. ओके 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 और एग्जाम्पल यहाँ पे फर्दर देनी है. फॉर अ मैन इज वेटिंग इन द हॉल. अब यहाँ पे हॉल के ऊपर जो है वो हॉल के ऊपर जो है वो एम्फेसिस है. तो यहाँ पे मीनिंग जो है वो हम इसको हॉल के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. मैन इज वेटिंग इन द हॉल. ठीक है, हम खाली ये नहीं देखेंगे मैन को, हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कि मैन इज वेटिंग. ये पे हॉल पे ज्यादा कर रहा है. अब यहाँ पे देयर इज अ मैन वेटिंग इन द हॉल. अब यहाँ पे जो है वो मैन के ऊपर है, देयर इज अ मैन वेटिंग इन द हॉल. ठीक है, अब यहाँ पर जो एम्फेसिस जो है वो मैन के ऊपर है. आई थिंक सो इससे क्लियर हो रहा है कि जितनी मैंने दो एग्जाम्पल्स बताई है ना, कि इस पे सिंपली आप ये देखते हो कि किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज ज्यादा एम्फसाइज्ड है, तो उसके रेफरेंस से हम जो है वो मीनिंग जो है वो रेफर करते हैं कि हमने सेंटेंस को इस तरह से बोलना है या इस तरह से बोलना है. ठीक है, ओके. आगे इंटेंडेड और इंटरप्रेटेड मीनिंग्स है. इंटेंडेड, इंटेंडेड एज द नेम इंडिकेट्स इंटेंशन आपकी जो होती है, आप किस तरह से, जैसे मैं बात कर रही हूँ मेरी माइंड में अगर मैं आपसे कोई भी वर्ड यूज करती हूँ आपके सामने, किसी भी लिसनर के सामने, तो वो मैं ही जानती हूँ कि मेरी इंटेंशन क्या है, मैंने उसको इंटेंशनली किस तरह से कहा. हो सकता है सुनने वाला जो लिसनर है वो उसको और तरह से परसीव करे, मैंने उसको मे बी और रेफरेंस से कहा हो, मेरा और जो है वो इंटेंशन हो. सिंपली आप ये कह सकते हो इंटेंशंस जो है वो एक पर्सनल, एक जो पर्सन है ना उसकी सेल्फ मेड होती हैं. प्राइवेट आप यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ नोट्स के अंदर, इंटेंशंस आर प्राइवेट बट मीनिंग इज पब्लिक. पब्लिक मीन्स इट डजंट मीन दैट आप सोचने लग जाओ पूरी पब्लिक, मतलब आपके वो लिसनर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हो, जिनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, वो लिसनर्स भी हो सकते हैं और वो आपके रीडर्स भी हो सकते हैं अगर आप राइटर हो. ठीक है, normal use of language of course implies some intentions on the part of the speaker, but in so far as meaning implies in an intention and the intention is only recoverable from the meaning itself. Matlab jaise wo maine aapko pehle bataya ye usi ki english hai, isme koi different baat nahi di hui hai. Okay, yahan par social meaning piece of the language. Okay, social meanings are those which a piece of the language conveys about the social circumstances of its use. We decode the social meaning of a text through our recognition of the various dimensions and levels of the style within the same language. Okay, socially aap jab bhi kisi jagah pe move karte ho kisi big environment mein, to wahan pe us society ke relevant jo wahan pe jo language use ki ja rahi hoti hai uske according hum jo hai wo meanings ko infer karte ho aur understand karte ho, perceive karne ki koshish karte hain. Theek hai,
सोशल रेफरेंसेस, इसमें सोशल टैबूज भी आ जाती है, लिमिट्स भी आ जाती हैं, उन सारी चीजों को देख के करना होता है. वी रिकॉग्नाइज सम वर्ड्स और प्रोनंसिएशंस एज बीइंग डायलेक्टल स्पेसिफिक और रीजन. सम मीनिंग्स टेल अस अबाउट द जियोग्राफिकल सोशल बैकग्राउंड्स ऑफ द स्पीकर. अदर फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज में डिस्क्लोज समथिंग कंसर्निंग द सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड द हियरर. ओके, अब जब कोई बात करते हैं तो हमें उसका सोशल बैकग्राउंड भी पता चलता है. जैसे हमने इसको ना लैंग्वेज में भी देखा था कि किसी भी बंदे की लैंग्वेज जो है वो उसका सोशल बैकग्राउंड, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन और ये सारी चीजें मतलब इंडिकेट करती हैं. हमें पता चलता है कि किसी के बात करने से आइदर ही इज अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन और नॉट. He is only you can say matric passed or inter passed or you can say कि इसने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो ये सारी चीजें, या फिर वो मिडिल क्लास की वो बात हुई थी कि लोअर होता है. ठीक है, तो ये सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं डिफरेंट जो लैंग्वेज को इफेक्ट करते हैं. और इसी तरह से जो वर्ड्स और सेंटेंसेस जो हम यूज करते हैं जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो भी जो है वो सोशल बैकग्राउंड आपकी, ये सारी चीजें, आपकी सोशल हिस्ट्री, वर्ड्स की सोशल हिस्ट्री भी, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे फर्दर आगे मूव ऑन करता गया, किस तरह से डिक्शनरी के अंदर एड हुआ, हम ये सारी चीजें इससे मतलब देख सकते हैं. ओके, और यहाँ पर और दिया हुआ था डिमार्केशन प्रॉब्लम्स. अब ये प्रॉब्लम्स क्या है, डिमार्केशन प्रॉब्लम्स, डिमार्केशन मतलब होता है कि किसी भी चीज को डीलिमिट करना, मतलब एक चीज से दूसरी चीज को अलग करने के मायने में जो हम इसको लेते हैं ना, उस तरह से. देयर आर ऑलवेज प्रॉब्लम्स ऑफ डीमार्केशन और एंड मोर स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स ऑफ सेपरेटिंग कॉन्सेप्चुअल मीनिंग फ्रॉम द पैरिफेरल कैटेगरीज. ओके, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, व्हाट आर द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज बताना पसंद करेंगे. कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स आर द डिक्शनरी मीनिंग्स, इनको हम प्राइमरी मीनिंग्स भी कहते हैं, और इनको हम लॉजिकल मीनिंग्स भी कहते हैं. कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, ओके, हम तो यूज करते हैं. ठीक है, ये वो वर्ड्स होते हैं जिसको आप, मरियम आपकी आवाज नहीं आ रही. ऑफिशियली भी यूज हो रहे होते हैं इनको, that you can say boundaries जो होती हैं, side means और इस तरह, इन सबसे जब differentiate जो करना होता है, that is called demarcation problems. इसमें issues आते हैं, इसमें मतलब this is not so easy, it's a difficult task कि आप एक meaning को दूसरे में, कि आप किस तरह से मरियम हमसे कह रही हैं आप या आप भी बात कर रही हैं? जी जी सुन रहे हैं आपको.
अब आवाज आ रही है, काइंडली मुझे बताना। अब भाई ये पहले नहीं आ रही थी, जब आपने कंसेप्चुअल का कहना शुरू किया था उसके बाद से बिल्कुल भी नहीं आवाज आई। कंसेप्चुअल मीनिंग क्या बता रही थी हमें? क्योनोलॉजिकल मीनिंग भी कहते हैं, डेनोटेटिव भी, इसके बाद से कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा मैं डिमार्केशन प्रॉब्लम्स की बता रही थी ना। सी अब जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग होते हैं ना वो डेनोटेटिव मरियम आपकी वॉइस फिर नहीं आ रही। मरियम आप पोस्टपोन कर लें, कल कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें जब आपका कनेक्टिविटी इशू सॉल्व हो जाए। मीनिंग होते हैं ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। अब हर बंदे की इंडिविजुअल मरियम आप कल प्रेजेंट कर लेना, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। हेलो मरियम, मरियम हेलो। डिक्शनरी हेलो मरियम, सुमला आप प्रेजेंट कर दें, आपकी थ्योरी ऑफ मीनिंग है, ताकि हम ये एंड करें आज प्रेजेंटेशंस। कल हमने नहीं प्रेजेंटेशंस देनी, कल ये मिड वाला सारा कंप्लीट करना है हमने। मरियम, मरियम ऑल राइट उमा, मैं प्रेजेंट करती हूँ, एक मिनट बस मैं नोट्स ले लूँ। हेलो जी जुमला, ओके गुड आफ्टरनून क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम जुमला नईम एंड टुडे आई एम गोना प्रेजेंट ऑगडन एंड रिचर्ड्स थ्योरी ऑफ मीनिंग। सो इन्होंने जो थ्योरी ऑफ मीनिंग प्रेजेंट की थी, बेसिकली उसको प्रेजेंट करने का पर्पस क्या था? कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आंसर करना था, लाइक हाउ डू वी कम्युनिकेट एंड व्हाई वी चूज द मेथड वी डू। ठीक है कि हम लोग जो कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं और क्यों हम मेथड्स जो अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर रहे होते हैं उन्हें चूज करते हैं। ठीक है, तो आईए रिचर्ड्स जो थे इन्होंने एनालाइज किया था ह्यूमन कम्युनिकेशन को और इन्होंने को फॉर्मुलेट किया था एक थ्योरी को
जिसको थ्योरी ऑफ मीनिंग के तौर पे जाना जाता है, ठीक है. एंड दिस थ्योरी नॉट ओनली डिस्क्राइब द अप्रोचेस ह्यूमंस टेक व्हेन कम्युनिकेटिंग बट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ कम्युनिकेशन इज लॉस्ट व्हेन इट इज नॉट डन करेक्टली, ठीक है. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सिर्फ ये अप्रोचेस या फिर ह्यूमन जो उनको कम्युनिकेशन में लेते हैं उन अप्रोचेस को नहीं देखता, बल्कि इस चीज को भी कंसिडर करता है कि कम्युनिकेशन जो हमारी लॉस्ट की होती है अगर इसको प्रॉपरली ना किया जाए. इन्होंने जो अपना ये थ्योरी प्रेजेंट किया था ना, इसके अंदर बेसिकली उन्होंने ट्रेडिशनल वेज को फॉलो नहीं किया था. लाइक पहले जो थ्योरीज प्रेजेंट होती थी उसमें सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया होता था और उसको लेके ही पूरी थ्योरी बना दी जाती थी. इन्होंने अपने सिंगल आइडिया को जो है डिकंस्ट्रक्ट किया था बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, एंड दस दे क्रिएटेड अ मल्टी फेसेटेड थ्योरी टू एक्सप्लेन कम्युनिकेशन बिहेवियर्स. और ये जो फेसेट्स हैं इन्होंने जो एक्सप्लोर किए थे वो इंक्लूड करते हैं मीनिंग थ्योरी, डेफिनेशन थ्योरी एंड सिंबल थ्योरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ मीनिंग. अब थ्योरी ऑफ मीनिंग जो थी वो बेसिकली आई थी कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जिनको काउंटर किया था इन्होंने अपनी थ्योरी के जरिए. पहले ऐसा कंसीडर किया जा रहा था, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो वो मीनिंग्स होते हैं ना उनका सिर्फ एक सिंगल